नमस्कार, मैं संतोष भगत। आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज। आप ये वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक नवयुवक जो है रुद्रपुर से चला है दिल्ली तक जाएगा और इसकी ये ईवीएम हटाओ और देश बचाओ ये जो है पद यात्रा चल रही है। अब आप देखिए ये वायरल वीडियो। सर आप कहाँ से चले हैं? मैं रुद्रपुर से। इधर कहाँ तक जाएंगे? मैं यहाँ से जयपुर होते हुए मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली। ये आपका क्या मिशन है? ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना ये चाहिए। क्या सिद्धांत लेके चले हैं आप अपने देश के लिए? सिद्धांत समझ लो, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। अभी मौजूदा सरकार के लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे मौजूदा सरकार? सरकार की जान ईवीएम में बंद है, अडानी अंबानी की गुलाम सरकार है, अगर उन्हीं के लिए कुछ कर रही है। क्या आप दिल्ली तक भी जाएंगे इसके लिए? मैं समापन दिल्ली करूंगा यात्रा का अपनी, बाकी उसके बाद फिर देखते हैं क्या चालू होता है काम। मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी के लिए कोई संदेश नहीं है। मोदी जी के पास अगर उन्होंने जनता के वोटों से जीते होते तो जनता के लिए करते, उन्हें संदेश देने का कोई फायदा नहीं है। वो एक तरह से हिटलर शाही वाले आदमी हैं, वो सुनेंगे किसी की नहीं। अभी जो देश के हालात मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? हालात बहुत ख़राब है, देश बर्बाद हो चुका है, देश जलेगा, देश खत्म हो चुका है। और नौजवानों के लिए क्या संदेश है? नौजवान मोदी को वोट दे रहे हैं, पकौड़े बेचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।